वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ईओडब्ल्यू थाने के बाहर, जहाँ मेरे साथ कई सारे बायर्स हैं। बायर सही जानते हैं उनकी समस्या की, वहाँ क्यों आए थे और उनकी समस्या यहाँ सुनी गई या उनको फिर से बेदखल करके बाहर कर दिया गया। 2010 से लेके आज तक ये 8 साल होने चले, इसके पास आज तक सरकार के पास कोई हल नहीं निकला। लास्ट ईयर से ये बात मीडिया में आ रही है कि फ्लैट नहीं बन रहे हैं और हर साइड पे काम रुका हुआ है। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आ रही कि इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है। इतने बड़े बड़े दावे करने वाली गवर्नमेंट कि हम सबको समान अधिकार देंगे, सबको ये करेंगे, सबको वो करेंगे, ओ कहाँ गया उनका जो है सारा प्रॉमिस, कहाँ गया? सीनियर सिटीजन, बच्चे, बूढ़े, मिडिल क्लास के लोग पैसा दे के फंसे हुए हैं, क्या इसके पास सरकार के हल नहीं है? सरकार की इतनी बड़ी तंत्र है, इतनी बड़ी तंत्र है, हम कहाँ नहीं गए? एसएसबी क्लास गए, डीएम के पास गए, सारे हमने लोकतंत्र के हर दरवाजे खटखटाया। और हम मुझे पता है, मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि हम ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहाँ हमारा कोई नहीं है। सरकार मर चुकी है पूरी तरह से और ये पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। अरे क्यों, सरकार की तरफ से 3 मंत्री आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 साल का जो है टाइम दे दिया। जेपी का इंसॉल्वेंसी का केस हो गया, इनको भी टाइम दे दिया कि 2 साल में जाओ और दिवालिया घोषित हो जाओ। और बायर जो है ना सबसे लिस्ट क्रेडिटर से है, सबसे लास्ट में जो है ना लास्ट में उनका पैसा तो चला गया। इन बायर्स का क्या होगा? 35,000 लोग इस पे पैसा दिए हुए हैं, एवरेज कॉस्ट जो है ना 30 लाख रुपए की है। आप सोचो कि ये देश का कितना बड़ा स्कैंडल है, ये क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान दे रही है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, क्यों सरकार सो रही है? सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो कोई केवल आश्वासन दे रही है, कोई रोड मैप नहीं बता रही है। जो 3 मंत्री यहाँ आए वो खाली आश्वासन दे के चले गए कि आपको 2 साल में घर मिलेगा। आप ये बताइए कि उसका रोड मैप क्या है? ये सारे अपने आप को इंसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट घोषित कर रहे हैं, उससे बचाने के लिए बायर्स के लिए क्या हक है ये नहीं बताया। नोएडा अथॉरिटी के पास इनके करोड़ों रुपए जमा मतलब पेंडिंग है, वो इन्होंने जमा नहीं किया तो हमें घर कहाँ से मिलेगा? वो चलेगा ये बता के कि 2 साल में घर मिलेगा, लेकिन आज तक कोई काम इन ग्राउंड रियलिटी कोई काम नहीं शुरू हुआ आज की डेट में। तो ये आप बताइए कि ये आश्वासन को लेके हम कितने साल जिए? हम तो बैंक को भी पैसे दे रहे हैं या नहीं? यहाँ पे हम रोज आते हैं, यहाँ पे FIR कोई नहीं बुक कर रहा, हमारी कोई सुनता नहीं है हमारी, हम क्या करें? आप बताइए आगे। हम गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ACP DCP सब ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। VR दी अफेक्टेड पार्टी, हमें देखिए नौकरी छोड़ के आए हैं, हमें घर तो मिल नहीं रहा, अब हमारी नौकरी भी जाएगी तो हम क्या बच्चों को लेके क्या सड़कों पे आएंगे? ये कोई सुनने को राजी नहीं है यहाँ पे। एज ए मीडिया आप इस चीज़ को हाईलाइट करिए, ये बायर्स कहाँ जाएंगे इसके बाद? हम रोज रोज इस तरह से कैसे आएंगे? हमारी तो नौकरी भी चली जाएगी अब इसके बाद। सर कहने को तो EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, पर मार्च में हमने उनके यहाँ कंप्लेंट की थी, आज 6 महीने बाद हम फॉलोअप लेने आए, फिर दोबारा से कंप्लेंट लिखवा दी है ये भी। अभी भी यही बोला जा रहा है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी हमें बोला कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनसे मिलने को था, तो वो कह रहे हैं उनकी ACP के साथ DCP के साथ मीटिंग चल रही है, आप वेट कीजिए। 1 घंटे से मीटिंग मुझे क्या मीटिंग चल रही है? ये बात नहीं समझ में रहा है कि आखिर सरकार को FIR लिख के इस बिल्डर को अंदर करने में क्या मजबूरी है? उसके कौन से हाथ बंधे हुए हैं? क्यों बिल्डर के हाथ सरकार फीकी हुई है? योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों से बात ही मैं पूछना चाहता हूँ, बींग ए बायर, क्यों हाथ उसके बंधे हुए और क्यों उसको जो है उसको अंदर नहीं करे, उसकी क्या मजबूरी है? इसका मतलब है कि आप गद्दी छोड़ो और अनिल शर्मा को प्रधानमंत्री या तो मुख्यमंत्री बना दो और आप अगरबत्ती दिखाओ उसकी। देखा आपने, ये वो आम आदमी का गुस्सा है, इस तरीके से ये लोग गुस्से में है आप देख सकते हैं। आम आदमी ने सिर्फ एक घर लेने का सपना देखा था, मगर देश में सपना देखना भी अब गुनाह हो गया। मीडिया के लिए।